हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज थोड़ा सा खुशी खुशी का दिन है मेरा। तो 10 साल का कनाडा का वीज़ा लगा है, ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स का वीज़ा लगा है। अब क्या कहानी है, पूरी उल्टी सीधी कहानी है थोड़ी बहुत। कहानी सारी है यार कि पीछे जाते हैं, कहानी शुरू करते हैं कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पे 2020 में जो है वो वीज़ा लगा था कि भाई अक्टूबर नवंबर में 2020 में जो है वो वीज़ा लगा था। तो आप यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो मेरा 2 साल का मास्टर्स का MBA का प्रोग्राम था, तो उसमें मेरा जो वीज़ा लगा वो ऑलमोस्ट जो है वो 30 मंथ्स का लगा। ठीक है, 30 मंथ्स का लगने का मतलब ये है कि भाई 2 साल का MBA प्रोग्राम है और आपको 2 साल का जो MBA करना है वो 2 साल के अंदर कर लेना है। लेकिन यूजली ये होता है कि आपको ना 6 महीने वीज़ा ज़्यादा ही मिलता है कहीं पे भी। जब मेरा ऑस्ट्रेलिया का भी लगा था तो मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम था और मेरा कुछ 4 साल का वीज़ा लगा था ऑस्ट्रेलिया का भी। अच्छा, जो स्टूडेंट वीज़ा था वो मेरा ये वाला जो स्टूडेंट वीज़ा है ये मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 30 मंथ्स का लगा था बेस्ड ऑन माय स्टडी पीरियड जो कि था ऑलमोस्ट 2 साल। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि भाई पैंडमिक की वजह से मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। और फ़ायदा ये हुआ पैंडमिक की वजह से कि मैंने 6 मंथ्स जो है, क्योंकि ट्रैवलिंग बैन थी तो मैंने अपने होम कंट्री में ही कर लिए और 6 मंथ्स जो है वो मैंने अपने कैनेडा आके कर लिए। तो 50% के प्रोग्राम के बेसिस पे जो है वो मुझे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला। तो कहने को प्रोग्राम मेरा 2 साल का था। काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आती है, मैंने कहा इस वीडियो के थ्रू वो भी मैं थोड़ी सी सॉल्व कर दूं कि भाई अगर आप 16 महीने का भी प्रोग्राम करते हो डोंट वरी, अगर 1 साल से ऊपर का प्रोग्राम है, लाइक 1 साल से ऊपर का मतलब होता है 16 मंथ्स, तो आपको 3 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मुझे भी मिला है और मेरा 2 साल का MBA का प्रोग्राम था, स्टडी पीरियड 2 साल था, लेकिन मैंने 1 साल में कर लिया। 1 साल में 6 महीने मैंने पाकिस्तान में कर लिए, 6 महीने मैंने कनाडा आके करे, पैंडमिक में ही करे, यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, ऑनलाइन ही सब करा, वही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी और ये चीज़ मैं एक चीज़ का पता था कि पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन अब इस बात को मैं आपके पास कनेक्ट करता हूँ कि मैं क्यों कहता हूँ कि आपका पासपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 10 साल का होना चाहिए। जब आप कहीं भी कनाडा में, US, कहीं भी अपने बाहर जा रहे हो, 10 साल का पासपोर्ट रखो। यही मेरे साथ हुआ, 1 साल का डिफरेंस मेरा लग गया, वरना मेरा 9 साल की जगह भी 10 साल का वीज़ा लगना था पूरा। मैं आपको कहानी बताता हूँ। अच्छा भाई, होता यहाँ पे यह है कि आपका वर्क परमिट का लेटर अलग होता है, उसकी वैलिडिटी अलग है। TRV कहते हैं, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, अगर आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, TRV वो अलग होता है। ये स्टिकर जो कहलाता है ये कहलाता है TRV, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, जो एंट्री एग्जिट के ऊपर काम आता है। स्टूडेंट लाइफ में भी लगता है, उसमें भी लगता है, हर स्टेटस चेंज पर ही चेंज होता है। ठीक है, अब ये मेरा लगा है 10 साल का। ठीक है, तो 10 साल का क्यों लगा है ये मुझे नहीं पता था कि ये 10 साल का लगा है। ठीक है, और मुझे मैं तो ये समझा था कि आज जितना मेरा वर्क परमिट है ना उतना ही TRV लगेगा, उससे ज़्यादा का TRV नहीं लगेगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ, खुशी की बात है इनफैक्ट ये कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हमारा जो जितना स्टडी पीरियड है उतना ही वीज़ा लगेगा, जितना वर्क परमिट है उतना ही एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद तो एंट्री एग्जिट नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा 10 साल का एक्चुअली कनाडा का वीज़ा लगा है, जिसमें से मैं एक्चुअली अब ये कह लो कि मेरा 10 साल का विजिट वीज़ा लगा है, जिसमें से मैं 3 साल वर्क परमिट पे एलिजिबल हूँ। कि मैं 3 साल अभी से लेके लाइक 2022 मार्च से लेके मेरा 3 साल 2025 मार्च तक मैं जो है वो 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हूँ, और जो एक्स्ट्रा 5 साल हैं या 6 साल हैं 2030 या 29 तक, जब तक मेरा पासपोर्ट वैलिड था, उधर तक मैं वैलिड हूँ कि मैं कनाडा में एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माय टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, कि मैं एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि यार ये 10 साल का लगता है। अभी आप कैलकुलेट भी करोगे तो 2022 से 2029 तक लगा है, 2032 तक, लेकिन मेरी 2019 से मेरा पासपोर्ट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, तो 2019 से मेरी 2029 तक पासपोर्ट की वैलिडिटी थी, एक्सपायरी थी। तो इसीलिए उन्होंने मेरा 29 को जून को एक्सपायर हो रहा था, उन्होंने 25 तक मेरा रखा है। तो मैं ये आपको लोगों को यही समझाता हूँ कि अपना पासपोर्ट जो है वो 10 साल का रखें। एक दो लोगों ने मुझे फेसबुक पे कमेंट किया था कि आप रॉन्ग नॉलेज फैला रहे हो, ऐसा नहीं होता, आपको 10 साल का ही मिलता है। देखो, ये मैंने इधर प्रूव करा है कि मेरा एक्चुअली पासपोर्ट जो है वो 26 जून 2029 में एक्सपायर हो रहा है और मुझे उन लोगों ने 25 जून 2029 तक वीज़ा दिया, TRV दिया, उससे ऊपर नहीं दिया क्योंकि मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं था। तो क्योंकि मेरा 2019 का बना हुआ था, मेरा ऑलरेडी 10 साल का बना था, मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो ट्रैवल कर रहा हूँ उनके लिए मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ ध्यान में रखें। आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि यार मेरा 10 साल का लग गया, लेकिन मेरा गोल जो है वो ये 10 साल का TRV नहीं है, लाइक एंट्री एग्जिट नहीं है। मेरा जो गोल है ऑब्वियसली वो है PR और पासपोर्ट। सबका यही गोल होता है यहाँ पे, जो भी आता है सबको यही होता है कि यार मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाए और ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है,
अल्लाह का शुक्र है जो भी मिल गया। लेकिन सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई कोशिश करें, मूव आउट करें, इनिशियली मूव आउट करें, पासपोर्ट लें, होम कंट्री चले जाएँ। आई डोंट माइंड कि भाई सब अपना पासपोर्ट जो है वो एक वाइटल चीज़ होती है जब आप मूव इन मूव आउट कर रहे होते हो, चीज़ों के लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं, काफ़ी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाता है जो बाकी चीज़ों में आपको नहीं मिलता। बाकी आने वाली वीडियो में काफ़ी नॉलेज जो है वो कोशिश करूँगा शेयर करूँ, जितनी नॉलेज है या जितनी सीख रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ या यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी गाइस मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। ये एक लाइफ अपडेट था तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी लास्ट मंथ ही मेरे पास आया था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। और बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लविंग एंड फॉर सपोर्टिंग मी के यार आप हमें मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे, आप लोग करते हो, मैं आप लोगों को लाइव सेशन पे भी लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पे मे बी पर्सनल डायरेक्ट मैसेज इतने जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरा थोड़ा सा लाइफ स्केड्यूल ऐसा ही है और कोशिश ये होती है कि वीकेंड पे ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई करूँ, ईमेल पे भी लोगों को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।